जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भिन्न संख्याओं का HCF निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइप के सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई नॉर्मल जो संख्याएं होती हैं उनका HCF और LCM तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन अगर भिन्न संख्याएं आ जाएं तो इनका HCF और LCM कैसे निकालेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर से देखना है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा सवाल है 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81 का हमें क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि भाई HCF निकालना है। अब इसको करना कैसे है, तो इसका एक फार्मूला होता है। सबसे पहले आपको वो फार्मूला मैं बता देता हूं। तो फार्मूला क्या है, भिन्नों का HCF, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं भिन्नों का HCF, ठीक है, HCF हम निकाल रहे हैं। तो भिन्नों का HCF बराबर अंशों, ऊपर क्या है, ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश होती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अंशों का HCF, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, हरों का LCM, ठीक है, हरों का LCM, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हमें इनका LCM निकालना होता तो फार्मूला क्या हो जाता, भिन्नों का LCM बराबर अंशों का LCM बटे हरों का HCF, मतलब इसका उल्टा फार्मूला हो जाता। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे हमें HCF निकालना है तो यहाँ पर क्या आएगा, भिन्नों का HCF और ऊपर वाली संख्या को क्या निकालेंगे, हम HCF निकालेंगे। अगर हमें LCM निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकालेंगे, नीचे वालों का HCF निकालेंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब इसके लिए आपको दो चीजें आना बहुत ही जरूरी है। जो नॉर्मल संख्याएं होती हैं उनका LCM और HCF निकालना आपको जरूर से आना चाहिए, तभी आप इनको कर पाएंगे, अन्यथा आप इनको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अंशों का HCF, तो अंश क्या है, ऊपर वाली जो संख्या होती है उनको हम अंश बोलते हैं, तो इनका हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या क्या है, 2 है, ठीक है, तो हम 2 के गुणनखंड निकालकर यहां लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या है, 8 है, तो 8 के भी हम गुणनखंड निकालेंगे। फिर क्या है, 10 है, तो 10 के भी हम गुणनखंड निकाल लेंगे, और 32 है, तो 32 के भी हम गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, ये तरीका आप सीख जाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो 2 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखिए 2×1, क्योंकि 2 के और कोई टुकड़े तो हम कर नहीं सकते, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2×1 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 8 को हम कितने टुकड़े करके लिख सकते हैं, तो देखिए 2×2=4, ठीक है, और 4×2 कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, और सॉरी, यहाँ पर आप एक का गुणा जरूर से करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी संख्या के जोड़े नहीं बनेंगे तो वो एक ही उस संख्या क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, ठीक है। तो आपको गुणा में एक जरूर लिखना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, 10 है, तो 10 के क्या हो जाएंगे, 2×5×1, ठीक है, 5×2=10, 10×1=10, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में है यहाँ पर 32, अब 32 के टुकड़े कितने हो जाएंगे, तो देखिए 2×2=4, 4×2=8, 8×2=16 और 16×2=32, ठीक है, और यहाँ पर गुणा में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तो ये आ गया, ये हमने सभी संख्याओं के क्या कर लिए हैं, गुणनखंड कर लिए हैं, ठीक है। अब HCF क्या होता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी में कॉमन हो वो क्या होती है, HCF होती है। तो देखिए, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी में कॉमन है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 है, ठीक है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ठीक है, ये 2 ही सब में कॉमन है। अब बड़ी से बड़ी तो देखना है, लेकिन वो सभी में होना चाहिए, उस संख्या को हमें देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 5 है तो हमने 5 देख लिया, ऐसा गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, ऐसी संख्या देखना है जो सभी में कॉमन हो और बड़ी हो, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 है ये सभी में कॉमन है, तो ये हमने लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पर 1 भी सभी में क्या है, कॉमन है, तो ये 1 और 2 ये दोनों को हमने क्या कर लिया, निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा,
ठीक है, और गुणा यहां पर क्या है एक है, तो ये एक आ जाएगा, ये दो और एक क्या आ जाएगा दो एकम हो जाएगा दो, और ये जो दो है यही क्या हो गया हमारा HCF निकल कर आ गया है। तो अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका, हमें HCF निकालना था वो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं भाई ऊपर वाली संख्याओं का जो HCF है वो क्या है, वो आया है हमारा दो, ठीक है। चलिए अब इस सबको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो संख्याएं हैं जो हर हैं उनका हम क्या करेंगे, अब हम LCM निकालेंगे, ठीक है। अभी तो हमने HCF निकाला है, अब नीचे वालों का क्या करना है, हमें LCM निकालना है, ठीक है। तो ये जो संख्या है इनको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तीन, ठीक है। इसके बाद में क्या है नौ है, तो ये आ गया नौ। इसके बाद में 27 है, तो ये आ गया 27, और ये 81 है, तो ये आ गया 81, ठीक है। अब LCM कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, तो हम क्या करते हैं इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं और एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना है जिसमें से कोई एक तो डिवाइड होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये तीन है, तो ये तीन से ही डिवाइड होगा, नौ भी तीन से ही होगा, 27 भी तीन से ही होगा, और 81 भी तीन से ही डिवाइड हो जाएगा, दो से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होगी, तो हम तीन से कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीन एकम तीन आ जाएगा, तीन में सॉरी नौ में देंगे कितनी बार जाएगा, तीन तिरका नौ, ठीक है। 27 में देंगे कितनी बार जाएगा, तीन नाम के 27, तो यहाँ पर तीन नाम 27। फिर इसके बाद में 81 में देंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पर जाएगा तीन दुनी छः, दो बचेंगे, 30 7 21, 27 बार जाएगा, ठीक है। फिर से हम एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर तीन है, ये नौ है, ये 27 है, कितनी बार काय से जाएगा, तीन से ही जाएगा। फिर से तीन से कर देते हैं, तीन से करेंगे, देखिए एक का एक ही आ जाएगा, तीन एकम तीन, यहाँ पर आ जाएगा तीन तिरका नौ, और यहाँ पर तीन नाम के 27, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर देखिए ये भी तीन से कटेगा, ये भी तीन से, फिर तीन से दे देते हैं, तो यहाँ पर देखिए तीन से देंगे, एक तो जैसा का तैसा ही आ जाएगा, यहाँ पर तीन एकम तीन, और यहाँ पर तीन तिरका नौ। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ तीन बचा हुआ है, फिर से तीन से लगा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा तीन एक, एक का एक ही आ जाएगा, यहाँ पर भी एक आ जाएगा, और यहाँ पर तीन एकम तीन, ठीक है। तो नीचे एक एक आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारा जो सवाल है LCM का वो पूरा हो चुका है, अब नीचे हमें हल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर जो संख्याएं बची हैं क्या हैं, देखिए तीन है, तीन है, फिर तीन है, और फिर तीन है, चार बार तीन है, तो इनको हम गुणा कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा तीन गुणा तीन गुणा तीन और गुणा तीन, तो क्या हो जाएगा तीन तिरका नौ, नौ तीय 27, 27 तीय 81, तो क्या आ गया 81 आ गया है। तो जो 81 है वो क्या है, वो हमारा LCM निकल कर आ गया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, LCM को यहाँ पर रख देंगे और हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकल गया, नीचे वाली संख्याओं का LCM निकल गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको लिख देंगे। तो हमारा HCF कितना आया था, ऊपर का HCF आया था, HCF बराबर आया था हमारा दो, और इनका LCM कितना आया है, LCM आया है LCM आया है हमारा 81। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अंशों का HCF बटे हरों का LCM, तो हमने इसी तरीके से यहाँ पर जमा दिया है, तो क्या आ गया ऊपर दो है और नीचे 81 है, तो 2/81 ये क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। मतलब कि इन भिन्नों का जो HCF है वो क्या होगा, 2/81 होगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम भिन्नों का HCF निकालते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।